नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, भाई कुवैत का भी एक आईडी होता है, आपको पता है, एक लाइसेंस के बारे में हम बात करेंगे, एक आपका कुवैत की जो सिविल आईडी होती है उसके बारे में बात करेंगे। दोनों चीज आपको पता है, कुवैत में अगर आप रहते हैं और आप जिस क्षेत्र में हो तो वो दोनों इंपोर्टेंट है। सिविल आईडी का मतलब अगर नॉर्मल भाषा में समझे, जिनको नहीं पता है, जो कुवैत में नहीं रहते, इसका मतलब ये होता है कि भाई वहां के एक नागरिक सूचना के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण, जी हाँ साथियों, PACI द्वारा एक कार्ड दिया जाता है। जी हाँ, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल होती है, उसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका अकामा नंबर वगैरह, वीजा वगैरह, पूरा डिटेल, कहाँ काम करते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, ये पूरा डिटेल होती है। और वो आपके पास एनी टाइम आपकी जेब में होनी चाहिए, तभी आप कुवैत में घूम सकते हैं। अगर पुलिस ने पकड़ लिया, किसी ने पकड़ लिया, तो वो आईडी दिखाते हैं, आपको छोड़ देते हैं। या फिर आप मान लीजिए आप अपने देश आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो भी वो सिविल आईडी आपके पास होना चाहिए। आज से 5-6 महीने पहले आपको पता है जिनकी सिविल आईडी एक्सपायर हो गई थी, तो कुवैत सरकार ने बोला था कि भाई ये ऐप है, इसके माध्यम से आप अपनी सिविल आईडी रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी कुवैत के लिए। जी हाँ, तो दोनों पर हम डिटेल से बात करेंगे। जिनकी प्रॉब्लम है उनका समाधान ऑनलाइन हो गया है। जी हाँ, ये अच्छी न्यूज है कि भाई सरकार ने एक सरल प्रक्रिया कर दिया है, एड्रेस वगैरह भी दे दिया है, आप अपने मोबाइल से भी इनको रिन्यू करवा सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन सरकार ने दिया है। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी जो नियम बनाया बता दूं, दिसंबर में अपनी सिविल आईडी को आप ऑनलाइन भी रिन्यू करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, कैसे ऑनलाइन करवाते हैं, हम आपको बता देते हैं। आवश्यक दस्तावेज कुछ नहीं चाहिए, आपके पास एक पुरानी आपकी सिविल आईडी है, उसी को आपको रिन्यू करवाना होता है, तो और कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ सिविल आईडी पुरानी होनी चाहिए। अगर आप नया कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो जी हाँ, अगर आप नया कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, नागरिक सूचना मुख्यालय में जहरा चेकर्स बिल्डिंग हॉल के अंदर, ये वहां का एड्रेस है भाई कुवैत का, तो वहां जाके आप अपनी आईडी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं नई आईडी। जी हाँ, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, कोई हार्ड नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं कुवैत में अगर आपका लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। आप इस सेवा को अभी ऑनलाइन कर दिया गया, तो आप अपने मोबाइल से या और भी ई मित्र पे या कहीं पर भी वहां का सिस्टम है, वहां से आप ऑनलाइन करवा सकते हैं जाके। जी हाँ, आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस रहेगा। पहला, ओवर द फोन ये नंबर दिए गए हैं 8888988 पर डायल करना होगा। अरबी के लिए आपको 1 दबाना होगा, अंग्रेजी के लिए आपको 2 दबाना होगा, ठीक है। वॉइस लिस्ट से सर्विस नंबर 1 का चुनना है आपको। अपना नागरिक आईडी दर्ज नंबर दर्ज करना है। इसके बाद में जैसे वो आपसे आवाज आती है, अपना जो आपकी सिविल आईडी है लाइसेंस का, जो उसको आपको दर्ज करना होगा, और जो उनको आपको बोला जाए वैसे आपको वेट करना होगा। दूसरा, ऑनलाइन ये सिविल आईडी आप देख सकते हैं, नवीनीकरण का ऑप्शन इसमें दिया गया है। सिविल आईडी नवीनीकरण सूचना के लिए लोक प्राधिकरण की वेबसाइट है, ये दी गई है, इस पे भी आप जाके अपनी सिविल आईडी रिन्यू करवा सकते हैं। सिविल आईडी का नंबर दर्ज करना है, फिर निर्देश जो जैसे जैसे आपको ऑनलाइन बताया जाए वैसे वैसे आपको करना होता है। अगर आपको भुगतान की बात करें तो सार्वजनिक प्राधिकरण के मुख्यालय जहरा जेकर्स बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर रिसेप्शन हॉल में अपना नया कार्ड प्राप्त करें। कार्ड अधिग्रहण शुल्क का भुगतान भी आप वहीं कर सकते हैं। जी हाँ, सार्वजनिक सूचना के लिए नंबर भी दिए गए, इनसे आप अपनी डिटेल ले सकते हैं। तो आपको शॉर्ट में थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दी सिविल आईडी के बारे में, लाइसेंस के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।